भारत आए। हेलो भारत, हेलो सर। हेलो हाँ, जय भीम जी। जय भीम, जय भीम, बोलिए। सर। आज वापस से मैं ना जो कुछ फिर से कंफ्यूज हो गई, और है ना जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग मुझे तुम नहीं समझोगे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बोलिए बोलिए मैम। हाँ तो वही है कि अभी जो कॉलर आ रहे थे वो बार 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 ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि जातिवाद बहुजनों में भी होता है, और आप लोग हमेशा उनको मतलब ऐसे ही बोलते हो कि ये फूट डालने वाले काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है ना कि बहुजनों में होता तो है ही आपस में। अरे मैम, यहाँ पर ये नहीं कहा कि नहीं होता। दरअसल बात ये हो रही थी कि जो जातिवाद है वो देन किसकी है। आप मान लीजिए कोई बीमारी फैला कोई और रहा है, लेकिन उससे ग्रसित तो सारे ही होंगे ना। अगर ये हाँ जातिवाद नहीं समाज में व्याप्त वो है तो, एक मिनट सुन लीजिए, अगर जातिवाद समाज में व्याप्त है, फैला हुआ है, तो उससे उससे लोग ग्रसित तो होंगे ही। अब जो ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया है, ब्राह्मण जातिवाद करेगा, बाकी की नीचे तीन वर्णों के साथ, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, फिर अब जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों से जातिवाद नहीं कर सकता, तो वो किससे करेगा? वो करेगा वैश्य और शूद्र से। वैश्य दो वर्णों से ऊपर अपने नहीं कर सकता, तो वो क्या सिर्फ शूद्रों के साथ करेगा? अब शूद्र है वो तीनों वर्णों से नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? उनके अंदर जो जातियां बनाई गई हैं उनमें ही अपने ही जातियों के लोगों से, कोई किसी को छोटा बनाएगा, कोई किसी को बड़ा करेगा, तो वो आपस में जातिवाद शुरू करेंगे। लेकिन हमें ये जानना है कि जातिवाद की जो रूट्स जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, जो जातिवाद फैलाने वाला कौन है, हमें इन चीजों को समझना है ना मैम। हाँ वो दोषी मेरे वो को नहीं है पता। जो निचले पायदान पर है, जो इस चीज को नहीं समझता, उसके साथ सब जातिवाद होता है। दोषी वो होता है जो जातिवाद फैलाता है, जिसके कंट्रोल में है कि जातिवाद को खत्म कर सकता है, जिसने फैलाया हुआ है, लेकिन वो अपनी बीमारी को इसलिए छोड़े हुए है क्योंकि उससे उसके निजी हित हैं। वो उससे पैदा होते ही सुपीरियर हो जाता है, वो पढ़े ना लिखे समाज में पूजनीय हो जाता है, वो चाहे चाहे आपराधिक मानसिकता का हो, फिर भी उसको सम्मान मिलता है समाज में इसलिए, और उसको इससे धंधा भी चलता है उसका अच्छा खासा, तो इसलिए वो इन सारी चीजों को खत्म नहीं करना चाहता। तो जिम्मेदार तो वो है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जिम्मेदार वो ही है, और है ना उसको इतना फायदा है तो वो खत्म भी क्यों करेगा। नुकसान जिसको है खत्म, तो उसको मतलब जिसको उसका नुकसान हो रहा है, तो क्योंकि अपन इसीलिए को तो हमें देखो। आवाज उठानी पड़ रही है ना, इसीलिए तो हम यहाँ आवाज हाँ उठा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ तो ये एक बार एक मतलब मैंने सुना था कि अंबेडकर जी ने बोला था कि गांधी जो सेवा संघ बनाया उसमें ना उसके सदस्य बनने के लिए एक शर्त होनी चाहिए के जितने भी जो सवर्ण लोग हैं वो रोटी बेटी का संबंध या ना छुआछूत नहीं करेंगे दलितों के साथ। तो ये शर्त अपन अपने बहुजन समाजों के जो संघ है उसमें भी रखने चाहिए ना, ये वाली शर्त अपने लिए कि बहुजन आपस में नहीं करेंगे हाँ तो ये तो जातिवाद। यहाँ सर बोलते ही है ना, यहाँ से यही तो है, जो यहाँ पर जितने भी साथी जो हमें देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं करते हैं जातिवाद, वो नहीं है एक दूसरे से जातिवाद करने वाले। जो रैशनल बन गया, जो समझ गया इनकी ब्राह्मणों की चालाकी को, वो नहीं करता है जातिवाद। जो नहीं समझ पाया है जातिवाद वो करता है, उनको उस सर चीज की एक समझ बार नहीं मैंने है ना। ना एक बार मोरल सर के चैनल पे जाके एक घटना बताई थी हमारे स्कूल की, पोशार वाली, ये पोशार खाने वाले पोशार बांटने का ऐसे बच्चों को नहीं था, और है ना सवर्णों ने विरोध किया था, लेकिन सवर्ण बच्चे वहां पे सिर्फ दो थे और उनका सपोर्ट करने वाले एसटी के बच्चे थे। उन्होंने सबने खाना छोड़ दिया था जब उन्होंने बांटना शुरू किया ना एससी वालों ने, तो एसटी वाले बच्चों ने भी बहिष्कार कर दिया था कि हम खाना नहीं खाएंगे। एसटी के थे नहीं, वो ये मुझे देखो मैम, ये बात मुझे आप। हजम नहीं हो रही है कि नहीं अगर एसटी के लोग आए वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं कि नहीं हम एसटी के खाना नहीं बच्चे खाएंगे। एससी वालों के खिलाफ, एसटी के बच्चे एससी वालों के खिलाफ, और इसीलिए यही एससी के कारण बच्चे होता है एसटी कि वालों के खिलाफ। हाँ, और यही कारण होता है कि जब किसी के जैसे कि वो पेशा वाली घटना हुई थी ना, तब हमने सपोर्ट तो किया था कि भाई ये गलत है, लेकिन एक मन में ऐसा था कि ये भी कुछ कम तो नहीं है। तो ये चीज आ जाती है जिससे है ना अपन एक नहीं हो पाते हैं, ये बहुजन लोग एक नहीं हो पाते, और अपन को जैसे मुस्लिम और ब्राह्मण भी खुद के रोटी बेटी का संबंध किया था इन्होंने राज करने के लिए, नहीं देखिए लेकिन मैम, ऐसा ये है आपस कि में नहीं ऐसा करते। वैसे होता मुझे लगता नहीं, हो सकता है कि एससी वालों ने ये कह दिया हो, लेकिन फिर भी
मैं इसको एक्सेप्शन के तौर पे देखूंगा, बाकी ऐसा नहीं होगा कि कोई जो एससी वाले हैं वो अगर मनाने ये सर वाले होते हैं आप तो वो अगर ब्राह्मणों अभी के लाइव सपोर्ट में स्ट्रीम खड़े में हो अगर जाएंगे। वोटिंग भी करो, पूछ भी लोगे ना, बहुत सारी घटनाएं ऐसी बता देंगे ये लोग मैम आपस में अरे करने वाले हैं। एक्सेप्शन भारत जी, बात मैम ये है वही तो समझ ना, रहे, हाँ एक्सेप्शन को क्या आप है जनरलाइज मत कीजिए ना एक्सेप्शंस कि को, हाँ एक्सेप्शन एक्सेप्शन को क्या यही है, है बहुत मेरे। सारी घटनाएं आप बता रहे हैं, घटनाएं हैं एक या दो, वो भी उसके पीछे कोई कारण हो सकता है या कोई दूसरी बात हो सकती है, पर हम उस एक या या दो किसी किसी घटना के एरिया में आधार ऐसे पे, होते हैं ना न्यूटन जी, कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहां पर नहीं है वो ऐसे माहौल या और अभी हाँ। आप खुद भी बोल रहे पर थे इन ये जनरल चीज ऐसा कि नहीं मैं, है। आप खुद भी बोल रहे थे कि मैं पिछड़े पिछड़े एरिया से आया हूँ और वहां पे हरिजनों को है ना जो छूने पे भी हम लोग खुद भी जैसे करते थे, और धोबी तो बहुत ऊंचे होते हैं और हरिजन तो बहुत नीचे होते हैं, और बहुजनों में भी ऐसे कैटेगरी बनी हुई, तो आप खुद भी तो देखे हुए हो सर। इसका जड़ क्या है, न्यूटन आप जड़ पे जाए ना, आप ये समझ नहीं रहे हैं आप। नहीं, मैं समझ गई कि जड़ तो हाँ देखो, जड़ को तो लालच है, वो तो क्यों खत्म करेगा, जिसको नुकसान है खत्म उसको करना चाहिए। तो देखो समस्या ऊपर से शुरू हुई है या नीचे से शुरू हुई है, पर पहुंचे जिस स्तर पे है वहां से भी अगर खत्म करना शुरू करें तो ये 3% 15% क्या ही बिगाड़ लेंगे, जब 85% बहुजन है नीचे से भी खत्म करना शुरू करें कि नीचे से जो एससी अच्छा वालों को सबसे चलिए नीचे भारत माना जी, जाता है। चलिए आपने अच्छी बात बता दी। अच्छा आपके स्कूल में जब ये विरोधाभास हुआ था कि ब्राह्मणों ने खाना बंद किया, फिर बाद में एसटी के बच्चों जी ने न्यूटन ये जी, कह आपकी दिया कि वॉइस हम में एससी के बच्चों के साथ, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, ना 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 मतलब मॉडल वहां टीचर पे जी बोल रहे हैं। देखो हाँ हाँ ब्राह्मण लोग कंटिन्यू, जहाँ पे बच्चे भी होते हैं माफ। ना वो एक दो भी होते हैं ना, तो जो बड़ा नहीं समूह होता है, आप अरे बहुत सारी चीजें मुझे पता हैं, वो आप रहने दीजिए, सामाजिक विज्ञान मुझे हाँ बहुत अच्छे से पता है। ठीक मैं ये है, कह रहा हूँ कि आपके जो स्कूल की आप घटना बता रही हैं उसमें आप कह रही हैं ब्राह्मणों ने पहले खाना खाना बंद किया, फिर उनके नहीं पीछे पीछे ब्राह्मणों ने एसटी के विरोध किया, ब्राह्मण तो ब्रह्मा देखो ब्राह्मणों ने विरोध सबसे बड़े किया। नेता हाँ बनते ही हैं वो, तो हाँ शुरुआत तो ब्राह्मणों उन्होंने ने की है विरोध ना किया, फिर उनके कि पीछे पीछे कौन आया, एसटी के, एसटी के लोग आए, क्या कहा एसटी वालों ने, एसटी ने खाना खाने मना कर दिया कि इनके हाथ का नहीं किससे खाएंगे, किसके और वो हाथ का ब्राह्मण नहीं के साथ खाएंगे। लग गए नहीं देखो एसटी। ब्राह्मण नहीं रे, ब्राह्मण एसटी के हाथ का खाना खाने तैयार था। हाँ अच्छा ब्राह्मण को एसटी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे किससे परेशानी उस है। टाइम पे, अरे उस टाइम पे क्या था कि एसटी के लोग वहां पे दो ही लोगों का बाहुल्य है, एससी और एसटी का, ब्राह्मण तो गिने चुने थे, तो एक बाहुल्य के साथ वो उन्होंने अपना नहीं, रिश्ता आप बना रखा आपकी था बात जो एसटी है वालों के साथ। फंडामेंटली गलत हो गई, आप जो बात कह रही हैं वो अस्वीकार्य है। ब्राह्मण एसटी के हाथ का खाना खाने तैयार है लेकिन एससी से उसे परेशानी है, ये थोड़ा जम नहीं रहा। आप बात या तो सही से रख नहीं पा रही हैं, या आपकी बात में थोड़ा गड़बड़ है, या आप जो उदाहरण आप दे रही मेरी हैं वो पूरी, उतना सही नहीं बैठ रहा। आप सुनो सर पूरी मैं बताऊं, देखो एस जो ब्राह्मण है ना वो एक दो थे, लेकिन बाहुल्य वहां पे एसटी और एससी का था, तो किसी एक पक्ष को तो उनको खुद के साथ मिलाना ही था ना, उन्होंने एसटी वाले पक्ष को मिला लिया, क्योंकि वहां पे एसटी वालों की तादाद, मतलब वो आर्थिक स्थिति भी एससी वालों के मुकाबले थोड़ी ठीक थी, वो मिला रखे थे, वो उनके चमचे बने हुए थे आप एसटी ये वाले। कह रही और हो कि नहीं, सुनिए आपकी बात, आप क्या कह रही हैं, आप मतलब इसका मतलब समझ रही हैं जो आप कह रही हैं, एसटी समाज के लोग अमीर हैं और एससी समाज के लोग गरीब हैं, ये कहना चाह रही हैं आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ब्राह्मणों ने दो बड़े ग्रुप में से एक बड़े ग्रुप को खुद के साथ मिला लिया और उनको खुद की उंगलियों पर नचाया। अरे उंगलियों पे नचाया, लेकिन क्या ब्राह्मण बाकी सबके साथ खाना खाने लग गया। बाकी में बस दो ही तो थे, एससी का तो उन्होंने बहिष्कार दो कर ही तो दिया, होते हैं और और कहाँ होते हैं, ब्राह्मण होता है और एससी एसटी होते हैं, वो ही तो होते हैं, या ओबीसी है नहीं आपके यहाँ, और कहाँ से आ जाएगा। ब्राह्मण तो दो दो ही तो बच्चे थे, ब्राह्मणों के दो हाँ तो एक वो ही दो ही घर था तो जिसमें बहुत से है दो ना, बच्चे थे। वही तो आपसे इतनी देर से हम समझा रहे हैं कि सारी समस्या की जड़ ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण आकर बुद्धि देता है, सिखाता है कि भाई तुम लोग भेदभाव करो, मैं भेदभाव करूंगा पर मेरा तुम अनुसरण करो, इसलिए हम ब्राह्मण की चुटिया पकड़ रहे हैं, ठीक है एससी एसटी की नहीं पकड़ रहे, उनमें थोड़ी इतनी बुद्धि है। जो ब्राह्मण समाज में परंपरा और रीति रिवाज चला देता है उसका अनुपालन बाकी के नीचे के वर्ग के लोग करने लगते हैं, इसलिए तो आपको उस ब्राह्मण की अनुपालन, चोटी पकड़नी पड़ेगी, तब समस्या के समाधान होंगे। चलो ठीक है, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। नहीं, नहीं, आप नहीं आप समझ पा मॉडल रही टीचर जी ने हैं बिल्कुल आप। सही कहा, बहुत सही कहा कि जो उच्च वर्ग के लोग जो काम करते हैं वही निचले या मिडिल क्लास लोग फैमिली फॉलो करती है, तो अरे तो जो कोई उच्च तो मैं वर्ग, बोल रही हूँ, हाँ तो जो ब्राह्मण कोई था मैं, भारत मैडम, जो जो ब्राह्मण बच्चे थे उनका जो सोशल स्टेटस था उस स्कूल में और उस जगह पे बहुत ज्यादा था, तो जो चीज उन्होंने फॉलो की उनके पीछे पीछे एसटी बच्चों ने भी कर ली, और यही समाज में होता है। जी मॉडल टीचर जी, आप कंटिन्यू करें।
वही मैं कह रहा हूं कि भाई आप एक चीज समझिए, ये चीज आपको बार बार क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप पहले भी यही बात कर चुकी हैं कि आपको समस्या की जड़ जो है वो ब्राह्मणवाद है, तो जो जो ब्राह्मणवादी मानसिकता का व्यक्ति है उसका निराकरण करना पड़ेगा। और जातिवाद समाज के सभी वर्गों में, ऐसा थोड़ी है कि एक ही वर्ग में है, पर इसे स्थापित किसने किया? इसे स्थापित करता है ऊपर से मंदिर में बैठा हुआ ब्राह्मण, वो वहां से शुरुआत करता है और वो बताता है कि तुम हमसे नीचे हो, तुम उससे नीचे हो, तुम उससे नीचे हो, काल्पनिक धर्म ग्रंथों के आधार पे। तो आपको उस जड़ पे वार करना पड़ेगा, तब जातिवाद जाएगा। अन्यथा आप SC ST OBC ये कहो जातिवाद ना करें, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो जो ब्राह्मण समाज के नियम निर्धारित करता है, समाज और धर्म के नियम निर्धारित करता है, पहले उसका कान ऐंठिए, उसे सही करिए, वो समाज के नियम सही करे, ठीक, और कोई ऊंच नीच के भेदभाव ना हो, तब जाकर ये जातिवाद का निराकरण होगा। ठीक, वो आपकी सर जो क्यों करेगा, स्थिति, उसको इतना फायदा हो रहा है, उसको नहीं वो वो क्यों नहीं करेगा करेगा? तो हम करवाएंगे ना भाई, करवाएंगे, विरोध करेंगे हम उस बात का। वो क्यों करेगा? तो SC ST भी क्यों करेगा? चलिए बताइए, SC ST भी क्यों करेगा? ऐसे क्योंकि देखो ST वाले भले SC वालों से कर रहे थे, लेकिन आगे जाके उनको OBC वाले उन पे चढ़ जाएंगे। हाँ तो उनपे चढ़ ST जाएंगे को तो तो खुद उस, भी नहीं तो भुगत भोगी ओबीसी है वालों, ना। नहीं ओबीसी वालों को भी तो नीचे वालों पे फायदा दे रहा है ब्राह्मण। नहीं, जो जो भुगत रखा है, जिसके साथ खुद के साथ भी हो रखा है, तो कम से कम वो खुद से नीचे वालों के साथ ना करे, क्योंकि उसने तो झेला है ना अरे ये ये चीज। इतनी अगर बुद्धि होती तो देश कब का सुधर जाता। आप जो आदर्शवादी बातें आप कर रही हैं, समाज इतना आदर्शवादी है नहीं है, ठीक है, समाज इतना आदर्शवादी है नहीं जितना आप बातें कर रही हैं। आप जो एक काल्पनिक बातें कर रही हैं कि हम सुधर जाएं, सामने वाला, कि अगर हमारे साथ अपराध हो गया तो हमारी गलती है। आपकी, आपका जो परसेप्शन है वो ये है कि हमारे साथ अपराध हो गया तो हमारी गलती है, सामने मारने वाले की गलती नहीं है, मतलब हम ब्राह्मण से ना बोलें। हमारा ये परसेप्शन आपसे अलग है, हम लोग ये मानते हैं कि मारने वाला गलत होता है, दोषी, हत्यारा, व्यवस्था खराब करने वाला, उसे पकड़ो, ठीक, जिसके साथ अपराध हो रहा है, जो विक्टम है उसे मत पकड़ो। आप जो कर रही हैं हम उसे तो विक्टम दोनों ब्लेमिंग तरफ से कहते ही हैं। बोल रहे हैं कि ऊपर नहीं, वाले आप को भी विक्टम पकड़ो ब्लेमिंग और कर नीचे रही हैं वालों को जी, भी आप कह रही पकड़ो। हैं कि SC ST OBC खुद दोषी हैं, वो एक दूसरे पे नहीं, जातिवाद करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है, इन सब का बाप ऊपर नियम बनाने वाला ब्राह्मण है, वो गलत नियम बना दिया उसने समाज के लिए। समाज का वो स्वाभाविक प्रकृतिक नेतृत्व करता है ब्राह्मण, इस समाज का, धर्म के नाम पर उसने ये अधिकार ले लिए हैं, वो जो कहता है वैसा ही समाज में होता है और हो रहा है 1000 साल से, और लोगों को रीति रिवाज परंपरा के रूप में उसने समाज में ये थोप दिए हैं। लोग ऐसा 1000ों सालों से इस परंपराओं को पालन कर रहे हैं, और गलत सही के लिए धर्म में जगह नहीं होती। जो आप बातें कह रही हैं वो धार्मिक व्यक्ति दिमाग से नहीं सोचता, वो परंपरा रीति रिवाज पालन करने पर सोचता है। हमें लोगों को रैशनल बनाना है सबसे पहले, तो परंपरा रीति रिवाज नहीं, सही गलत पे आधार पे सोचिए, और उसके बाद उसकी चुटिया पकड़नी है जो इस सारी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी मानसिकता, ठीक, इनके निराकरण करने हैं। तो आप पहले ऊपर से शुरू हाँ करिए, वो जो ऊपर बैठे लोग रीति रिवाज परंपराएं निर्धारित कर रहे हैं वो सुधर जाएंगे तो नीचे वाले अपने आप सुधरना शुरू हो जाएंगे। हम पूरा सपोर्ट करते हैं आपका। और ये है ना, जो धर्म के खिलाफ है एकदम, और ब्राह्मणों का आप जो मजे उड़ाते हो ना, उनके मजे लेते हो, वो भी बहुत ही सही लगता है। नहीं नहीं पर हम किसी के मेरा मजे नहीं वो लेते, नहीं नहीं आपकी नहीं, गलत विचार, नहीं नहीं हम मजे नहीं लेते, मजे तो वही लोग हमारे ले रहे हैं, हम मजे नहीं ले रहे। समाज में शूद्र बनाकर आपको और हमको छोड़ दिया है उन्होंने, और वो यहाँ कर भी हमारा मजा ही लेने आते हैं, कोई यहाँ पे मजे नहीं ले रहा है, ये गलत आप वो बात कह रही हैं, मजे लेने नहीं अरे बैठे सर, हुए हैं, मतलब मेरी ठीक है, कम्युनिकेशन ये हम स्किल्स चरित्र इतनी उजागर अच्छी करने नहीं बैठे है हुए हैं उन ब्राह्मणों का, कि वो उनके अंदर सर। जो जो गंदगियां हैं वो यहाँ के व्यक्त कर जाते हैं, उससे आप पता हमारे चल जाता शब्दों है। को मत पकड़ो, हम आपके जितने अच्छे शब्द नहीं बोल पाते। हमारे मतलब मजे मत, कुछ भी आप ऐसे मत समझो, नॉर्मल भाषा है घरेलू, इसलिए इतना मत सोचो। हमारे इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कम्युनिकेशन की, तो नहीं नहीं कोई आप परेशानी नहीं है, आप आके बात करिए, कोई समस्या नहीं है, और आपके डाउट हुआ करें तब आप आके पूछ लिया करें, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हमारे बस समस्या हमारा क्या है, ये देखिए था डाउट हैं और आप पूछेंगे तभी जाएंगे, और आपके साथ में बाकी लोगों के डाउट भी चले जाएंगे, इसमें कोई बुराई ये नहीं। डाउट मेरा ना, मतलब ये डाउट ऐसे बार बार आ जाता है। मैं पूरा सपोर्ट में है कि भाई है ना, जो ब्राह्मणों का तो अपन को खत्म करना ही है, इनको तो दोष देना ही है। लेकिन जब कोई आके ऐसे बोलता है ना कि बहुजनों में भी है, और वो चीज आप मानते नहीं हो, जबकि वो चीज मैंने देखी अपनी आंखों से, तो फिर अजीब सा भी हाँ लगता बिल्कुल है है ना, यार। बहुजनों में, अरे है ब्राह्मणवाद पूरे समाज में है, पर इसने बनाया किसने ना, वही तो और मुद्दा है ना। सुधारने की जरूरत भी है, ऊपर से भी सुधारने की जरूरत है, नीचे से भी। नहीं, नीचे नहीं ऊपर से सुधार होता है, जो नियम बनाने वाला व्यक्ति है उसे सुधारोगे तब समाज की परंपरा रीति रिवाज सुधरेंगे। आप सर नीचे वाला नियम को फॉलो शूद्र ही नहीं समझिए करोगे बात को, नियम? भारत जी आप समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलिए कल समाज में सबसे नीचे ST लोग आते हैं और SC आते हैं, चलो SC ST ने जातिवाद मानना बंद कर दिया, मैं आपको एक, आप जैसे आदर्शवादी बातें बता रही हैं, मैं एक काल्पनिक स्थिति देता हूं कि चलिए कल SC ST OBC जातिवाद मानना बंद कर देंगे,
तो क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी जातिवाद मानना बंद कर देंगे? सर वो माने चाहे नहीं माने क्या फर्क पड़ता है, 15% ही नहीं, तो फर्क है। पड़ता है ना, फर्क पड़ता है। आपको SC ST OBC या शूद्र तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य नहीं बनाया है ना, और उनका सत्ता बहिष्कार व्यवस्था कर दो ताकत उन्हीं ना के, नहीं, समझिए, सर, आपके हाथ उनका में झूठ नहीं है ना बना के छोड़ दो सत्ता, ना, कहीं आपके ना तो हाथ खाना में सत्ता खाओ, ना व्यवस्था। उनसे रिश्ते करो, ना उनको घर पे बुलाओ, ना शादी में बुलाओ, हटाओ उनको, एक तरफ हाँ कचरे में अच्छा, मतलब डाल दो। यही हम भी करें जो ब्राह्मण करता है हमारे साथ, यही हम भी करें, हाँ ठीक है? इसे रिवर्स कास्टिज्म कहते हैं जो आप कह रही हैं। जो फिर अपने आप वो सही हो जाएगा, फिर जब वो सही हो सही हो जाएगा तो जाएगा, अपना नहीं, हो आप जाएगा। कैसे कर लोगे? आपके पास ना ताकत है, ना पैसा है, ना सत्ता है। उसके पास ताकत है, पैसा है, सत्ता है, व्यवस्था है। उसके यहाँ आप जैसे काम जैसे काम करते हैं, नौकर चाकर करते हैं, सारे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के यहाँ नौकर चाकर करते हैं, काम करते हैं, आप कैसे नियम तय कर लोगी? भाई आपके मानने या अपन मानने से कुछ होता ही नहीं है ना। आप जो कह रहे हो कि हम जातिवाद ना माने, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय वैश्य, काल्पनिक, जो आप काल्पनिक समझिए, व्यवस्था आप आपने दी है भारत जी, ना, आप देखिए, आप समझ ही नहीं रहे, आप इस चीज को समझिए। आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब तक जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, किसी को ऊंचा नीचा मानना नहीं छोड़ेंगे, तब तक शूद्र खुद को कितना भी कुछ कह लें कि हम शूद्र नहीं है, हम तो जात मानते ही नहीं है, जात होती नहीं, उससे तुम्हारे कहने से क्या होने वाला है? जिसके हाथ में ताकत है, सत्ता है, व्यवस्था है, वो तो तुम्हें शूद्र ही कहता है ना। तुम भले ही मत मानो, वो तो तुम्हारे मुंह पे कह जाएगा तुम शूद्र हो, और दूर धक्का मार देगा, क्या करोगे फिर? अब एक आप जो बात कह रही काल्पनिक हैं वो आप समझ नहीं पा परिस्थिति रही हैं। आप जो कह रही हैं SC ST देखो, OBC आपका ये जात मानना टाइम बंद में कर हम दें, शायद वो बर्बाद कर समझिए रहे वो हैं। हल नहीं है समस्या का। पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग दूसरों को नीच कहते हैं, तब व्यवस्था समाज में कुछ लोगों पर नीच ठप्पा लगा के छोड़ दिया जाता है। ये जो आप बात कह रही है ना, ये असलियत में पता नहीं, आप, मुझे लगता है आपने व्हाट्सएप से कोई सवर्णवादी ग्रुप का पोस्ट पढ़ लिया, वहां से आप इस बात से प्रभावित हो गई कि पहले हम अपने आपस में जातिवाद मानना बंद कर दें, क्योंकि ये जो बात नहीं, होती है ना, अभी सवर्ण लोग कॉलर कहते आए थे, हैं। उससे सुना था मैंने। हाँ वो वही आपसे पहले भी वो सनातन मौर्य आके कुछ बात कह गया था, आप भ्रमित हो गई थी। अभी भी वो एक कॉलर आकर कुछ कह गया, आप भ्रमित हो गई। आपके साथ देखिए क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है कि आप अभी भी समस्या की जड़ नहीं समझ पा रही। तो आप एक काम करिए, हम लोगों से जुड़ी रहिए, स्ट्रीम को समझिए, हमारे सारी स्ट्रीमों को अच्छे से देखिए। ये ऐसी बातें ब्राह्मणवादी लोग जानबूझ के करते हैं। वो कहते हैं भाई तुम में भी तो जातिवाद होता है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था। वो आपसे आकर जब आप कहोगे कि तुम जातिवाद करते हो, तो एक सवर्ण आके तुमसे कहेगा, कहेगा कि हाँ अरे आप SC ST OBC भी तो जातिवाद करते हो, तो आपको लगेगा हाँ यार ये सही बात कह रहा है। वो कहेगा पहले आप लोग सुधर जाओ, तब हम सुधर जाएंगे। आपको तब भी ये लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है, पर देखिए ये बिल्कुल झूठ है। ठीक, SC ST OBC खुद को शूद्र मानना बंद कर दें तो भी समस्या का कोई निराकरण नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की नजर में तो आप नीची रहोगे, और सत्ता व्यवस्था ताकत उनके हाथ में है, तो आप कुछ भी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो मानना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए चुटिया ब्राह्मण की पकड़नी पड़ेगी आपको, जो इस व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ है। समझिए, समझ में आया आपको थोड़ा बहुत कुछ? हाँ शायद, पता नहीं सर, मेरे तो कुछ पता भी नहीं। अभी, अच्छा अच्छा मैं चलिए आप बोल चलिए, रहे हो जुड़े आप रहो अपने, तो चलिए मैं मैं जुड़ी आपको एक रहती चीज हूँ, बताऊं, पता। आप अपने आप को शूद्र मानना बंद कर दीजिए। चलिए आप ये मानना बंद कर दीजिए कि आप SC ST OBC नहीं है। चलिए, तो क्या ब्राह्मण आपको शूद्र मानना बंद कर देगा? मुझे क्या लेना देना उससे, पागल से। नहीं, लेना देना है ना, वो सत्ता पे बैठा है ना, वो कलेक्टर, SP, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारी सारे ऊंचे पदों पे जज बन के बैठा हुआ है। कल कोई आपके साथ मारपीट कर देगा तो जज बन के कोर्ट में वही मिलेगा ना आपको। नहीं, इसे भी एक सरल एग्जाम्पल मैं देता हूँ मॉरल टीचर जी। मैडम आपकी उम्र कितनी है अभी? कौन सी सर वो क्लास में पढ़ पर्सनल, रहे हैं या कौन से? अरे नहीं मैं ना, मैं तो टीचर हूँ। अच्छा टीचर हैं आप, अच्छा चलिए आप मान लीजिए, अगर आप हायर पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू पे जाते हैं, आप तो नहीं मानते कि आप कौन सी जाति के हैं, पर सामने वाला आपकी जाति को देखकर आपको इंटरव्यू में फेल कर देता है, तब आप क्या यही आर्ग्यूमेंट आप पेश करेंगे? नहीं, क्या मतलब? बस तो बस मॉरल टीचर जी यही तो समझा रहे हैं आपको तब से। वो वही बात है ना, नहीं वो आपको आ जाएगा समझ में। आप थोड़ी और स्ट्रीम देखिए भारत जी, कोई परेशानी हाँ नहीं है। आप ठीक हम लोगों है, से जुड़े रहिए और आपके डाउट लेके आते रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम 100 बार जवाब देंगे आपके, हमारे जितने बहुजन आएंगे, आप 100 बार लाइए, व्हाट्सएप बिल्कुल से लाइए, कुछ भी लाइए, हम हर चीज के आपको तार्किक जवाब देंगे। और ये भी बताएंगे कि जातिवाद खत्म करने के लिए हमें कहाँ चाबी ऐंठनी है, वो भी आपको बताएंगे, और आपको ये समझाएंगे भी। देखिए एक चीज समझिए, आप हुई, मैं हुआ, न्यूटन जी हुए, आजाद जी हुए, हम लोग अगर खुद को शूद्र मानना बंद कर दें, हम तो वैसे भी नहीं मानते कोई जातिवाद होता है, हम सब नहीं मानते, लेकिन सामने वाले लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता व्यवस्था ताकत है, वो तो हमें शूद्र ही कहते हैं, तो हम रहे के शूद्र ही ना, और हमारे पास ना ताकत है, ना सत्ता है, ना व्यवस्था है। तो असलियत में जातिवाद तो खत्म हो नहीं रहा, जातिवाद तब खत्म होगा जब समाज का सवर्ण वर्ग जो है वो इस चीज को मानना बंद कर दे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए हमें बहुजनों को एकत्रित होके सत्ता व्यवस्था ताकत हर उस जगह जहां सवर्ण के हाथ में ताकत है वहां अपने लोगों को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर यह संतुलन की स्थिति बनेगी। अब आप सोचिए, अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या आपको नौकरी मिल जाती? नहीं बताएं, कोई ब्राह्मण आपको नौकरी दे देता क्या? नहीं, नहीं देता शायद, नहीं मिलता ना। देखिए, मतलब आप खुद देख लीजिए, आप कह रहे हैं हमें क्या करना है उससे। अगर हमने ये मान लिया होता कि हमें क्या करना है तो हम कभी आरक्षण की मांग नहीं करते और इस व्यवस्था में सुधार की मांग नहीं करते और हमारे लोगों को आज भी नौकरियां नहीं मिल पाती। तो आप खुद समझिए कि आप जुड़ी रहती हूँ, मेरे थोड़े बहुत और डाउट होंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, आप डाउट लेके आया करें और आप बिल्कुल बेधड़क होके आया करें। ये मत सोचा करें कि डांट वाट दिया, डांटना तो हमारा काम ही है, हम सभी को डांटते हैं। अगर आपको भी डांट दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारी छोटी बहन है, छोटी बहन है, आप हमारी कोई परेशानी नहीं है। आप 100 बार आइए और 100 बार आप हमसे कुछ भी बोलिए, हम वो भी सुनने तैयार हैं। हमारे बहुजनों के लिए जगह हमेशा खुली हुई है। और आप अपने सारे डाउट लेकर आइए और क्लियर करिए, कोई भी डाउट रह ना जाए, तब क्योंकि आगे बच्चों को आपको पढ़ाना है, आपके हाथ में भविष्य है। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगी, आप अगर सही दिशा समझ जाएंगी तो आप कई सारे बच्चों के भविष्य सुधार देंगे और जातिवाद के निराकरण में आप बड़ा योगदान भी दे पाएंगे। बिल्कुल आती है, सर हम जुड़े रहेंगे और सुनते रहेंगे। और अभी आप और को ले लो, ये कैट मैम आपको पता नहीं क्या ही क्या बोलेंगे अभी। अरे कोई कोई नहीं, कुछ नहीं, नहीं, कह नहीं, रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं कह रहा है। मैं चैट्स मॉनिटर कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है आपको, कोई कुछ नहीं कह रहा। ओके सर, ओके।